तो दोस्तों, आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया, मैंने एक गेमिंग इंट्रो बनाया है जो कि देखने में बहुत ही कूल और प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से गेमिंग इंट्रो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो ज़रूर आप अपने चैनल के लिए एक इंट्रो बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर 16:9 रेशियो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है मीडिया के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर बैकग्राउंड आपको ले लेना है ब्लैक। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद इस लेयर को थोड़ा बड़ा कर लेना है आपको 10 सेकंड तक। तो इस लेयर को बड़ा करने के बाद आपको जाना है लेयर के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। इस टेम्पलेट को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसको यहाँ पर लेने के बाद इसका जो स्क्रीन है यहाँ पर फुल स्क्रीन करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर से फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर जब ये यहाँ पर स्टार्ट होगा तो उसके थोड़ा पहले से यहाँ पर आपको काट कर देना है। तो मैं यहाँ पर काट कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके। उसके बाद इस लेयर को थोड़ा पकड़ के यहाँ पर सेट कर देना है आपको। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर एक कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है थोड़ा उसके बाद से आपको काट कर देना है। तो मैं यहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर से मैं यहाँ पर काट कर देता हूँ, यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर दिया। उसके बाद आपको ऊपर वाले लेयर को भी काट कर देना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लाना होगा, उसके ऊपर वाले लेयर पर ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर दिया मैंने। तो जहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है तो आपको वहाँ पर जाना है। तो ये यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको जाना है लेयर के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है मीडिया के ऊपर। तो मैं इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। तो इसको भी मैं फुल स्क्रीन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर दिया। उसके बाद आपको जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऊपर। ब्लेंडिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो स्क्रीन वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको चूज करके यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको जाना है दूसरे वाला जो लेयर है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जाना है वहाँ पर ब्लेंडिंग के ऊपर। तो ब्लेंडिंग के ऊपर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। आप ध्यान से इसको करना। तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर आपको स्किन करना होगा, और उसके दूसरे वाला जो है यहाँ पर लेयर इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कब यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो जहाँ पर आप ये ओपन हो रहा है वहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल का जो लोगो है इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर से ये ओपन हो रहा है, तो थोड़ा पहले से मैं इस यूट्यूब चैनल का जो लोगो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए आपको जाना है लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर, उसके बाद मीडिया। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा जो लोगो है इसको मैं सेट करता हूँ। तो सेट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पर जो बचा हुआ पोर्शन है उसको आपको काट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो अपने हिसाब से लेयर को काटने के बाद आपको इस वाले जो लोगो है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको जो सेंड टू बैक वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये बैक में चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक एनिमेशन लगा सकते, मतलब इस जो लोगो का है इसका आप इन एनिमेशन लगा सकते हो, आउट एनिमेशन लगा सकते हो। तो आपको लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आउट एनिमेशन। आउट एनिमेशन देना चाहते हो तो आपको आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर स्केल आपको मैं चूज कर लिया। तो यहाँ पर टिक कर देना है आपको,
और एक चीज़ मैं भूल गया, इसका जो आउट एनिमेशन का जो स्पीड है यहाँ पर आपको 0.5 और 1 के बीच में आपको रखना होगा। तो इंट्रो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है, तो मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। तो अब इसको सिंपली आप बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद बनाना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद आपको रेजुलेशन को चूज कर लेना है, उसके बाद आपको फ्रेम रेट को चूज कर लेना है, उसके बाद इसको हाई करके यहाँ पर सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है, तो आप इसको आप अपने वीडियो के इंट्रो के ऊपर यूज कर सकते हो। आपका वीडियो का जो इंट्रो है वो बहुत ही देखने में अच्छे लगेगा। तो यही था आज का वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।